दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स का जो किचन गार्डनिंग है वो आपको अपडेट देंगे आज सब वेजिटेबल्स की। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि इन्होंने वाटरमेलन जो लगाए हुए थे तरबूज, उनकी बेलें लंबी लंबी होना शुरू हो गई थी। और चूंकि हवा इस मौसम में चलती है बहुत ज़्यादा, तो ये कोई ग्रिप नहीं पकड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अभी ये हफीज़ साहब हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, तो ये उन्होंने बम्बू की छोटी छोटी स्टिक बनाई और फिर उसको ग्राउंड में लगा कर इसमें धागा बांध देंगे ताकि ये बेल्स जो उनके साथ धागे के साथ ग्रिप बना लें और हवा में इधर उधर उड़े नहीं, इनको ग्रिप मिली रहे। तो यही आइडिया, देखें किस तरह भी लगा रहे हैं। ये धागा बांध के वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जिस तरफ बेल जाएगी उस तरफ उन्होंने कर दिए एक मुनासिब हाइट जहाँ पे वो उसको पकड़ सके। तो ये एक अब कर सकते हैं, ये देखें इसके साथ ये ग्रिप करती है। खेतों में तो वो ज़मीन पे घास घूस इधर उधर जगह वो बनी होती है, कहीं ना कहीं वो ग्रिप कर लेती हैं और ग्राउंड में रूट्स भी डाल देती हैं। तो ये थोड़ी सी जगह प्लेन थी तो इन्होंने ये आइडिया कर लिया। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है फ्यूचर में और कितने तरबूज हमें मिलते हैं इसमें से। ये पूरा नेटवर्क बन गया है इसका, होप कि अभी ये हवा में इधर उधर नहीं उड़ेगी। अभी आपको वेजिटेबल का देते हैं अपडेट। ये जो धनिया लगाया था अभी इतना बड़ा हो चुका है, इसमें जो घास फूस थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये खुद रखा है ताकि थोड़ी ठंडक रहेगा अंदर, क्योंकि बहुत गर्मी जब ज़्यादा होती है तो ये फिर धनिया मरना शुरू हो जाता है, इसके लिए अंदर घास रखा हुआ है। ये पालक, ये भी अच्छी खासी बड़ी हो गई है अभी। पालक जो है कॉमन यूज़ होती है घरों में। उसके अलावा इन्होंने ये कद्दू की बेल लगाई हुई है, लौकी भी कहते हैं इसको, बट ये राउंड कद्दू हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो लोग वो ज़्यादातर लगाते हैं। ये नेट लगाया हुआ इन्होंने, बैम्बूस लगा के उसके साथ नेट लगाया हुआ है, तो ये उसी के ऊपर क्लाइंब करके जाती हैं। ये मिर्चों के पौधे हैं, देसी मिर्च ये कहलाती है। देखें कितनी फ्रूटिंग है इसके ऊपर, गौर करें कितने एक प्लांट के ऊपर। और इन्होंने कुछ हार्वेस्ट भी कर ली हैं, उसके अलावा भी इतनी खड़ी हुई हैं। तो टमाटर की अपडेट ये है कि अब हार्वेस्टिंग के काबिल हो गए हैं, कुछ इसमें शेप भी पकड़ लिया, रेड होना शुरू हो गए हैं। ये कुछ दो टमाटर लास्ट टाइम आपको नहीं दिखाए थे, बॉल के साथ थे ये, तो इन पे भी अभी ये कितना फ्रूट है। और ये अभी पक रहा है और रेडी है इस्तेमाल के लिए, तो अभी ये आज से ही अपने घर के टमाटर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बेंचेस में लगे हुए हैं ये टमाटर। कोई किसी किस्म का कोई पेस्ट अटैक नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल साफ सुथरे टमाटर हैं। और ये गार्लिक जीवन लहसुन जो हमने लगाया हुआ था वैरायटी, वो अभी इसका साइज इतना हो गया है, हमने चूंकि थोड़ा सा लेट भी शायद लगाया होगा, अभी एक वीक और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा ये, इसकी फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों ये थी अपडेट, होप आपको पसंद आई होगी। इसका साइज़ भी आपको दिखा देते हैं हाथ रख के,
तो वीडियो को लाइक कर दें और नया दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरह अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये साइज है जी इसका।